यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। चेरी कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको इजी करने के लिए मैंने सेकंड फ्रेट पे के को यूज किया है और इसकी स्केल मैंने ए मेजर रखी है, ठीक है। हो सकता है कि ये ए फ्लैट पे हो या ए, जो मैंने सॉन्ग सुना वो ए मेजर पे लग रहा था मुझे, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। और इसको इजी करने के लिए मैंने सेकंड फ्रेट पे के को यूज की है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कॉर्ड बताऊंगा। जो पहला कॉर्ड है वो है जी मेजर, जी मेजर। उसके बाद है ए माइनर, ए माइनर। उसके बाद है ई माइनर, ठीक है। और लास्ट में है सी मेजर, ठीक है। तो ये चार कॉर्ड्स यूज हैं, फिर से देख लेते हैं। जी मेजर, ए माइनर, ई माइनर एंड सी मेजर, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जो मैंने इसमें रिदम यूज की है बहुत ही सिंपल सी रिदम है, डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है। डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप, और जो लास्ट में डाउन अप लग रहा है वैसे फिलर काम करेगा जब आप कॉर्ड स्विच करेंगे या कंटिन्यूअसली रिदम को प्ले करते रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिदम में ही काउंट करेंगे। फिर से देख लेते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन अगेन, डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 6 हैं, 6 डाउन डाउन अप अप एंड डाउन अप। अब इसको थोड़ा सा अच्छा साउंड करने के लिए आप म्यूट भी कर सकते हैं ऐसे। तो लास्ट का जो डाउन अप है वो म्यूट भी कर सकते हैं, या फिर तो जो सेकंड स्ट्रोक है उसको भी म्यूट कर सकते हैं। ये आपके लाइकिंग के ऊपर है कि आपको कैसा सही लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और कोई और रिदम आपको समझ में आए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जब हम प्ले करते हैं तो उसमें हम डाउन 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 स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे। जब हम प्रोग्रेशन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये जो रिदम वाला पार्ट है आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं अब प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है जी मेजर टू ए माइनर, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने जो यूज किया है वो सिर्फ डाउन 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 स्ट्रोक है, वो कुछ इस तरीके से है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको रिदम शुरू करनी है, तो थोड़ा सा बेहतर साउंड करेगा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। तो शुरू से आप रिदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो जी मेजर टू ए माइनर, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ए माइनर, ठीक है। वापस हम जी मेजर पे आएंगे, कि मंजिल आएगी नजर साथ, इस बार ई माइनर आएगा चलने से। तो जो दोनों लाइनों की पहले प्रोग्रेशन है वो है जी मेजर टू ए माइनर, देन जी मेजर टू ई माइनर। फिर से इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, ठीक है। और इस पैराग्राफ को हमें दो बार रिपीट करना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब जो नेक्स्ट वर्स है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ जी मेजर, दो लाइनों के लिए सिर्फ इसमें जी मेजर ही यूज होगा। कुछ इस तरीके से है, हम है राही प्यार के चलना अपना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जी मेजर है। नेक्स्ट लाइन के लिए भी जी मेजर, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल में, इस लाइन में भी जी मेजर है, ठीक है। तो दोनों लाइनों के लिए सिर्फ जी मेजर ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें कॉर्ड चेंज हुए हैं, जी मेजर टू सी मेजर, देन वापस जी मेजर में आना है, ठीक है।
सी मेजर करेंगे हम तो माजी जी मेजर करेंगे इस लाइन को भी हमें दो बार प्ले करना है ठीक है तो आई होप ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग से जो प्रोग्रेशन थी वो सिर्फ जी मेजर है और जो लास्ट लाइन उसकी जी मेजर सी मेजर जी मेजर है ठीक है इसके बाद हम फर्स्ट लाइन पे अगेन आ जाएंगे यू ही कट अब जो इसके बाद की सेकंड थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है जो पैराग्राफ है उसकी जो प्रोग्रेशन है एग्जैक्टली पहले वर्ड्स की तरह ही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है वर्ड्स डिफरेंट हैं मेलोडी सेम है और जो प्रोग्रेशन है वो भी सेम ही रहेगी ठीक है क्योंकि जो मेलोडी है वो सेम है तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे उस पूरे सॉन्ग को प्ले कर लेंगे और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच